मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज की सुबह मैं कुछ नए तरीके से बिताना चाहता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि काफ़ी टाइम से जब मैं बीमार हुआ 1-1.5 महीना, तो काफ़ी वीकनेस सी आ गई है बॉडी में, और वीकनेस आने की वजह से अनकम्फर्ट सा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपसे डेली मॉर्निंग में अपने लिए सीधे एक बनाना शेक बनाया जाए। इसके अंदर ये बनाना शेक बना दिया, ये मेरा बेटा भी मेरा कह रहा मुझे भी पिलाओ, उसे भी पिला रहा हूँ। और पीछे नानी आपको दिखाई दे रही है। देखो पूरा बनाना शेक मैंने पी लिया। अब यहाँ पे नाश्ता तैयार है अपने लिए, अब नाश्ता भी कर लेता हूँ क्योंकि पूजा हमेशा मेरे टाइम टू टाइम हर चीज़ कर देती है। देखो खुद भी खा रही है, मुझे भी खिला रही है। ऐसी बीवी भगवान सबको ना दे, मेरे जैसे अच्छे इंसानों को ही दे। हंस रही है, मुँह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए ना, मैं गलती हो जाती है मेरे से। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर को, मैं जाके क्या बोलूं? ना ना मामी को छोड़ो, आप बताओ किसको बोलूं? डॉक्टर को बोलूं, क्या बोलूं? मतलब आप खांसी कम है, बदन में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, अरे खांसी हो रही है। भाई नानी देखो आपकी कितनी परेशान है, कल भी मैंने मिला था, लेकिन जो है नानी खास खास के बॉडी मतलब दर्द हो चुकी है पूरी। क्या करें, डॉक्टर से लाया था दवाई, अब एक बार और जाऊंगा। अरे और नींद भी नहीं आ रही, नींद आ रही है? नींद भी नहीं आ रही। देख सकते हो बहुत ज्यादा सिचुएशन हमारे इस टाइम पे घर पे खराब है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी पापा दोनों गए हुए हैं, सिस्टर के यहाँ, मैं ही अकेला हूँ और पूजा है यहाँ पर, तो मैं अकेला पड़ गया ये समझ लो। आज नानी को बहुत आराम मिल रहा है मेरे मलासना से। सेल पड़ रही है, मतलब आराम मिल रहा है। तो सो जाता हूँ बाहर और दवाई लेकर के आता हूँ फिर से, क्योंकि कल जो लेके आया उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इस बार दूसरे डॉक्टर से लेके आऊंगा। मैं छाले तो नहीं हो रहे मुंह में, छाले क्योंकि दवाई से हो रहे हैं ना छाले। छेड़ो मत बेबी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ नानी को ही लेके जाऊँ वहाँ पर, नानी को लेके जाऊंगा, नानी को डॉक्टर से ही मिलवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो सही नहीं रहेगा। मैं एक बार तो दवाई ले ही आया बिना उसके, तो जाके अके नानी खुद ही दिखा देगी ना, क्योंकि मैंने अभी देखा नानी ने जैसे मुंह खोला आ करके, तो पूरा अंदर तक पूरा बहुत ज़्यादा जैसे मुँह पक जाता है ना, उसकी वजह से कुछ भी गर्म खाने की वजह से वो भी एक कारण हो सकता है। तो डॉक्टर ढंग से देखेगा तो ही कुछ होगा, ठीक हो जाएगी तब खेलना आप। अभी मत छेड़ो नानी को, छोड़ दो नानी को, छोड़ दो बेबी, जब नानी ठीक हो जाएगी तब खेलना, ठीक है? हाँ ऐसे नहीं। तो देखते हैं दोस्तों डॉक्टर क्या बोलता है और क्या दवाई देता है। हाँ दूर नहीं जाना, पास में ही जाना है। नानी, ये मेरी नानी है और नानी बीमार हो गई है बहुत ज़्यादा। यहीं पे मैं आया था अपना बीमार होने पे, तो 1.5 महीने से परेशान था, पर ये डॉक्टर साहब की वजह से मैं ठीक हुआ। तो नानी भी बहुत परेशान है, तो मैं फिर से डॉक्टर साहब के पास आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बीपी की दवाई दी है, बीपी लो है, 100 से 180 है, और बोला है कि भाई चाय मत देना, दही मत देना, और बीपी की गोली देना ये 2 घंटे में, और बाकी इसके अलावा दिया है दवाई।
यही है बीपी की। पैसे तो फोन से दिए, फोन से फोन पे करा। पहले बीपी की देनी है, पहले बीपी की देनी है। आप ऐसे क्यों खड़े हो पानी में? हाँ हाँ, 5-10 मिनट रुकना है। सिरप भी पिला दो, एक एक चम्मच। 10 मिनट बाद नहीं, अभी पिला दो ये तो। हाँ। नानी बोल रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना, क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि मैं 10 साल जीऊंगी, 10 साल। तो मैंने कहा 10 को 20 जीऊंगी। जो है नानी सो चुकी है, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, तो एक बार नानी के पास जाके देखता हूँ नानी किस तरीके की सिचुएशन में है, और एक बार नानी को थोड़ा सा वो सिरप और पिला दूंगा जो खांसी वाला था। ये बेटा यहाँ पे बैठ करके टीवी देख रहा है, ये भी देख रहा है, और क्या देख रहे हैं, सौरभ जोशी का ब्लॉग। इसको जो है डेली 4-5 ब्लॉग देखने ही देखने हैं सौरभ जोशी के। और ये मैडम जी जो है यहाँ पर खाना बना रही है कम, और इसकी बातें ज़्यादा लग रही है। एक नहीं, दुनिया एक से बात करती है, 4-4 से बात कर रही है। ये टाइम पास चलता रहेगा और हम ऐसे ही भूख से मरते रहेंगे। नहीं, खाना बन गया है। तो आप लोगों के घर में खाना बन गया या नहीं बना? नहीं, हमारे घर में बन गया, मगर तुम्हारे घर में नहीं बना खाना। तो बनेगा कैसे, जब इसे छोड़ोगे तभी तो बनाएगी खाना। छुड़वाओ यार फटाफट, भूख लग रही है मेरे को बहुत जोर से। नहीं, आराम मिला, आराम मिला थोड़ा हैं? सोए थे, नींद आई? नींद रात है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं आई तो रात को आएगी ठीक से। वैसे सो गए थे आप? सो गए हो, काफी सो गए हो, सोए थे। खाना खाना है? नहीं नहीं, हो गई इसकी? नहीं, कपड़े चेंज हो गए, इसका मतलब हो गई नहीं। नहीं, बैठ के खाओ यहाँ। तो फ्रेंड्स, देर सवेर आकर बना ही दिया लंच। मेरी बात सुनो ना। बोलो। वैसे हमेशा अच्छा ही बनाती है, आज भी देख लेंगे अच्छा ही बनाओ। अच्छा बनेगा नहीं, अच्छा ही बनेगा। नानी आ जाओ बैठो। तो नानी को मैंने बुला दिया, नानी भी आ गई। कल तो पूरे दिन नानी ने कुछ नहीं खाया था, पर आज नानी खा पा रही है क्योंकि दवाई खाई है, तो उससे थोड़ा सा असर हुआ है। अपने को भी मिल गया खाना यहाँ। इसका केला ही खत्म नहीं हुआ अब तक, देख लो तब से लेके घूम रहा है ये। और उसको देखो वहाँ ऊपर जाके पहुँच गया, वो वहाँ बैठ गया जाके। दोनों मंकी हो आप, मंकी हमारे मंकी। देखो देखो देखो, वो ऐसे ही खाता है। मैं नहीं खाता खाना। मत खा खाना, मैं फल फ्रूट खाता। निकल ले, फल फ्रूट खा, निकल। मैं टमाटर खा रहा हूँ, तो ये भी टमाटर लेके बैठ गया सारे इकट्ठे। और मैं इसे बंद कर। क्या क्या बना रहा है ये? यहाँ पे कोई झूला वूला नहीं बनाना, ठीक है ना? हाँ, बंद करो सर। खाना खाने के बाद अपने को 2 घंटे आराम तो मांगता ही मांगता है, तो मैं 2 घंटे आराम करता हूँ। सोफे की गद्दी उठा करके बेड छोड़ दिया वहाँ, सोफा छोड़ दिया, लेकिन इसको लेटना है नीचे। बाबू, पापा अच्छे हैं, मम्मी है। कौन अच्छा है? पापा गंदे। पापा गंदे हैं? अब मम्मी? पापा इतने नन्हे हैं। पापा भी गंदे हैं? भैया नन्हे हैं। भैया भी गंदा है? अच्छा कौन है? मम्मी अच्छी नहीं है? गंदी है? तो सब गंदे हैं, बस आप अच्छे हो। ओ बड़ा बड़ा स्याड़ा बच्चा है। अच्छा सुनो सुनो, आपकी मम्मी कहाँ है? ऊपर ऊपर। दादा दादी कहाँ है? बाहर। कहाँ गए? चिज्जी लेने गए हैं। बुआ के गए? बुआ के। बुआ। दादा दादी को बोल दो बुआ के यहाँ से जल्दी आ जाओ। बोलियो दादा दादी। हाँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बोली याद आ रही है? याद आ रही है। पारी कर दे यहाँ से, ऐसे पारी कर दे, ये पारी ऐसे कर दे। भाई तू मेरी जान है।